नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में बनी चूड़ियों से अब बिहार के दुल्हनों की खनकेगी कलाइयां। जी हां, हम आपको बता दें कि फिरोजाबाद में बन रहे चूड़ियों के बाद अब बिहार में भी इसका निर्माण शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि बिहार का पहला प्लांट जो कि राजधानी पटना के सवलपुर में स्थित है और इसी फैक्ट्री में चूड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। अर्थात हम आपको बता दें कि जीविका दीदियों का जो समूह होता है, उन जीविका दीदियों के तरफ से इस फैक्ट्री में चूड़ियों का निर्माण किया जाना शुरू हो गया है। और हालांकि हम आपको बता दें कि ये फिरोजाबाद में इन चूड़ियों का निर्माण होता था, लेकिन अब फिरोजाबाद के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में यह पहला प्लांट होगा चूड़ियों का, जहाँ पर सवलपुर में इन चूड़ियों का निर्माण जीविका दीदियों के तरफ से किया जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि उत्पाद विभाग के द्वारा जो जब्त किए गए शराब की जो बोतलें होती है, आपको हम बता दें कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद जो बिहार में उत्पाद विभाग के द्वारा शराब की जो बोतलें हैं जो जब्त की जाती है, उन्हीं बोतलों को यहाँ पर लाया जाता है और उन्हीं बोतलों को गला कर चूड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार में अब बिहार के बनी चूड़ियाँ दुल्हनों के हाथ में खनका करेगी। हम आपको बता दें कि यह वही भट्टी है जहां पर इन चूड़ियों को जो यह जो बोतलें जो शराब की जो बोतलें हैं, इन्हीं शराब की बोतलों को इन भट्टियों में गलाकर इसको निर्माण किया जाता है। और कई तरह के प्रोसेस हैं जो इन दीदी जीविका दीदियों को यहाँ पर ट्रेंड किया जा रहा है। हालांकि फिरोजाबाद से यहाँ टेक्निकल जो भी यहाँ पर चूड़ी बनाने वाले जो कारीगर हैं उनको बुलाया गया है और इन जीविका दीदियों को यहाँ पर ट्रेंड किया जा रहा है और उनके द्वारा यह चूड़ी का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि 3 से 4 महीने इस प्लांट के शुरू हुए हैं और तब से लेकर अब तक इस चूड़ियों का निर्माण जारी है। विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर मौजूद हमारे साथ उनसे जुड़ेंगे और विशेष यही बताएंगे कि क्या यहाँ पर कैसे प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस को आप समझाएं कि किस तरह से चूड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। जी, ये चूड़ी निर्माण केंद्र जीविका के तहत पिछले 26 नवंबर को ये इसका माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जिसमें बिहार में शराबबंदी के बाद जो शराब की बोतलें एक्साइज विभाग के द्वारा जो प्राप्त की गई हैं, तो उनसे जीविका दीदियों को एक रोज़गार का माध्यम मिला है। इसमें हमारे यहाँ के जो दीदी हैं उन्होंने तय किया और इसके लिए प्रशिक्षण के लिए फिरोजाबाद भी गए, वहाँ देखे कि फिरोजाबाद में किस तरीके से कांच का चूड़ी बनाया जाता है और इनका एक बहुत बड़ा व्यवसाय वहाँ फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का कार्य चल रहा था। तो दीदी वहाँ जा कर के देखी, वहाँ समझी, समझने के बाद यहाँ दीदी लोग आए, उसके बाद दीदियों ने निर्णय लिया कि हम लोग भी इस तरीके से प्रशिक्षण कर अपने यहाँ चूड़ी निर्माण केंद्र चलाएंगे। तो इसके लिए हमारे जीविका के तरफ से और उत्पाद विभाग के सहयोग से ये चूड़ी निर्माण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें अभी हमारे फिरोजाबाद से करीब 15 जो ट्रेंड है, रिसोर्स पर्सन है, वो यहाँ हमारे जीविका दीदी को प्रशिक्षित कर रही हैं। आगामी 1 से 2 महीने और इन लोगों को प्रशिक्षित करने में लगेंगे, उनके बाद अधिकांशतः काम जो है कि हमारे दीदियों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को की जाएंगी। अभी सबसे पहले जो चूड़ी निर्माण केंद्र में जो हमारे लिए काम हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले उत्पाद विभाग के माध्यम से हम लोगों को कांच की प्राप्ति हुई है, जिसे दीदियों के द्वारा छंटाई कर उसका ग्रेडिंग करके उसको ला करके रखा जाता है एक जगह स्टोर में, उसके बाद उनको पुनः भट्टी में डाला जाता है गलने के लिए, मेल्टिंग के लिए। और वो मेल्टिंग का पूरी प्रोसेस जो है कि वो करीब 12 से 14 घंटे का वक्त लगता है उसको मेल्ट होने में। चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते देखते हैं जहाँ पे, अगर आप ये हम देखेंगे तो इस तरीके से शीशा जो है, ये शीशा हमारा यहाँ पे आता है, इसके बाद यहाँ से शीशा डायरेक्ट ये जो मुख्य भट्टी है, ये जो मुख्य भट्टी आप देख रहे हैं, ये इस मुख्य भट्टी में शीशे को डाला जाता है और इसमें ये 1300 से 1400 डिग्री टेम्परेचर से भी अधिक टेम्परेचर होता है, जिसमें ये पूरी तरीके से 14 से 16 घंटे ये मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने के बाद ये पूरी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दीदियाँ उधर चूड़ी जो हैं बनने के बाद इनका सॉर्टिंग करके उनकी जो अंतिम जो है भराई, इसको कहते हैं भराई और जोराई कहते हैं,
तो इनको भराई और जोराई कर का काम कर रही हैं। इनके पश्चात आप यहाँ एक देख रहे हैं कि एक और छोटी भट्टी है, आप ये देख रहे होंगे कि ये और एक ये छोटी भट्टी है। तो यहाँ जो छोटी भट्टी है इनमें जो है कि चूड़ियों को आप देखिए, ये छोटी भट्टी है, ये छोटी भट्टी में और ये कलर है, रंग है, एक कलर से जो है विभिन्न रंगों की चूड़ियाँ जो हैं कि जिस कलर का है उस कलर की चूड़ी यहाँ इस माध्यम से गला करके उसमें इसको तैयार किया जाता है। आप आगे ये प्रोसेस देखेंगे इस तरीके से। वहाँ जो है चूड़ी बनाने का वो मशीन है हमारा, अगर आप इस तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ चूड़ी बनाने का पूरा ये मशीन है। इस मशीन से ही चूड़ी रोल होता है, उसके बाद चूड़ी तैयार होता है। इस मशीन से ये सारा रोल होता है। अभी इस मशीन को भी चला करके थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इस चूड़ियों को बनाने के बाद इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद उसकी कटिंग होती है, फिर ग्रेडिंग होती है, ठीक है, उसके बाद इनकी जुराई और भराई होती है। ये पूरी प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी हम लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है कि चूड़ी निर्माण के बाद यहाँ बिहार में काफ़ी हमारे जो ग्रामीण बाज़ार हैं उनके माध्यम से हम इसको सेल कर रहे हैं। और इसके लिए अन्य जो व्यापारी हैं उनसे भी संपर्क किया गया है, उनका भी सर्वे किया गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पे पूरे बिहार में चूड़ी का आयात होता है जो फिरोजाबाद से ही लोग आते हैं लेकर के। तो अभी यहाँ के भी जो होलसेलर वाले हैं जो चूड़ी के कारोबार में हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और वो भी हमारे यहाँ निर्मित चूड़ी को खरीदने के लिए तैयार है। अच्छा, सवाल यह है कि अभी सिर्फ चूड़ियों का निर्माण किया जा रहा है, बाद में कुछ और भी इससे संबंधित कुछ और निर्माण भी किया जाना? बिल्कुल, अभी चूंकि हम लोगों ने शुरुआत किया है, अभी ये शुरुआत हुए करीब 2 महीने हुए हैं, 2 से 2.5 महीने, तो अभी हम लोगों ने जस्ट चूड़ी से ही स्टार्ट किया है। इसके बाद आने वाले समय में शीशा की कटोरी, ग्लास, बॉटल, खिलौने, इस तरह की जितनी सारी जो चीज़ें हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं कांच का, वो सारी चीज़ यहाँ इस भट्टी में बनाया जाएगा। तो ये हमारे आने वाले समय का प्लानिंग है और इसमें अच्छे खासे करीब 200 से 300 दीदी काम करेंगे। यहाँ डायरेक्ट करीब 50 लोग काम करेंगे और इनडायरेक्ट रूप से लोग घर पर भी जुड़ करके, जैसे आपको अभी मैंने दिखाया कि चूड़ी जोराई भराई का काम वो घर में किया जाता है, घर में लोग करेंगे। अच्छा, तो बिहार में शराबबंदी का एक फ़ायदा, इसे फायदे के रूप में देखा जा सकता है? निश्चित तौर पे ये बिहार में एक बड़ा ही हम लोगों के लिए और महिलाओं के लिए खासकर ये बहुत ही बड़ा बदलाव है जो बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शराबबंदी निर्णय लागू किया गया। उस निर्णय में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए आज हमारी दीदियां जो हैं कि आत्मनिर्भर हो रही हैं और वो उन शराब की बोतलों से भी अपने रोज़गार को बढ़ा रही हैं और जिनको हमारे मुख्यमंत्री ने बैन किए हुए हैं। देखिए, साफ तौर पर इनका जैसा ये कहना कि शराब की बोतलें जो कि बिहार में बैन है, उन शराब की बोतलों से बिहार में भविष्य बनाने की कवायद जारी है। इन्हीं बोतलों से जीविका दीदी जो इस प्लांट में यहाँ पर आती हैं और इन बोतलों को गलाकर इस चूड़ियों का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। और चूँकि बिहार को देख सकते हैं कि किस तरह से बदलाव की ओर बिहार बढ़ता जा रहा है, चूँकि बिहार में शराबबंदी के बाद शराब की यहाँ पर बैन लग चुकी थी, लेकिन उन्हीं शराब को शराब की जो बोतलें जो बैन की हुई बोतलें हैं जो इसी प्लांट में आती है और इसी प्लांट में इस भट्टी में गल के किस तरह से बिहार जो है बदल रहा है। और बिहार में एक ऐसा पहला प्लांट है जो कि चूड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक ये चूड़ियाँ सिर्फ फिरोजाबाद में निर्मित की जाती रही थी, लेकिन अब यह बिहार का इकलौता प्लांट है। बिहार की राजधानी पटना के सबलपुर में इसकी शुरुआत की गई है, जहाँ पर जीविका दीदियों की तरफ से इन चूड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।